तो चलिए फिर मैं नर्सरी भी आ गई हूँ, भैया की राखी पोस्ट हो गई है, तो देखते हैं नर्सरी में आके क्या क्या पसंद आता है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको, पॉट भी है और बहुत सारे फ्लावर वाले भी वो भी हैं, पौधे हैं। चलिए फिर देखती हूँ क्या क्या है। प्लांट तो बहुत सारे हैं, भैया पान का भी है, पान का नहीं है तो भैया के पास पान का तो नहीं है। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पान की ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये वाला प्लांट कैसे है भैया? 200। ये वाले तो लगे हैं, 100 प्लांट भी है, पान का नहीं लगा था। मैं सोची चलो नया पान का लगा लेते हैं। और ये वाले भैया 120 की। अब ये वाले लगे हैं तो ये डबल डबल हो जाएंगे हमारे। देखती हूँ ये भी अच्छा लग रहा है, कलछी छन्नी भी रख सकते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। तो भैया ये कैसे दिए उल्लू आउल वाले? आउल हाँ, एक ये वाले 150। तो भैया सीमेंटे का ना सस्ता पड़ेगा भैया? नहीं तो ये चीनी मिट्टी का महंगा आता है, सीमेंट सस्ता पड़ता है। अभी ये जो एक फ्राइडे बाजार में भैया लगाते हैं वो कफ वाले, वो भी तो 50-50 रुपए, 60-60 रुपए का भी देते हैं। तो वो कब देते हैं ना? अरे भैया ये आउल आउल वाले भी समय आ रहे हैं, फ्राइडे बाजार में लेके रखता है। होता होगा, इतना बड़ा नहीं होता। अरे भैया और ये छोटे छोटे वाले? ये छोटा वाला जो इसके अंदर पड़ा है 50 का है, नीचे जो रखे हैं 80 रुपए का स्क्वायर वाला। तो चलिए फिर देख लिए हैं यहाँ का नर्सरी का, भैया का पान का नहीं मिला मुझे, पान का ज़्यादा ज़रूरी है। भैया पान का मंगाएंगे नहीं? भैया तो कह रहे हैं कि मंगाएंगे। तो चलिए फिर एक दो दिन में आ जाएगा भैया? एक हफ्ते के बाद आएगा। तो चलिए फिर एक हफ्ते के बाद आते हैं भैया के यहाँ पे। और नर्सरी में आओ तो मन ही करता है कि कुछ प्लांट ले जाएं, पर इतने सारे प्लांट पहले से हो गए हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन सा नया प्लांट लगाएं। गर्मी भी बहुत है तो चलिए फिर चलती हूँ।